हेलो एवरीवन। सो हमने प्रीवियस क्लास में बोला था पक्षीनिया पाठ कराने के लिए, तो उसे हम लास्ट में देखेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनामोर्फिक फंजाई। सो मेरा नाम है अनन्या जैन। मैंने अंडर ग्रेजुएशन सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मेरठ से की है, और करंटली मैं मास्टर्स कर रही हूँ RLB CAU झांसी से। सो हम एनामोर्फिक फंजाई देखते हैं आज। हमने जितनी भी पढ़ी थी उन सब में हमने देखा था कि सेक्सुअल स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। एनामोर्फिक फंजाई को हम फंगस इम्परफेक्टाई भी बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं फंगाई इम्परफेक्टाई। इसे हम फंगस इम्परफेक्टाई क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें ए सेक्सुअल स्पोर्स जो है वो एबसेंट होते हैं, सॉरी सेक्सुअल स्टेज एबसेंट होती है। तो फंगस इम्परफेक्टाई हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सेक्सुअल स्टेज एबसेंट होती है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ए सेक्सुअल स्पोर्स वी कॉल्ड एनामोर्फिक फंजाई एज अ फंगस इम्परफेक्टाई। इसमें हमें दो टर्म्स है, टीलोमोर्फ और एनामोर्फ। ये क्या होता है? टीलोमोर्फ होता है सेक्सुअल स्टेज को हम टीलोमोर्फिक स्टेज बोलते हैं, और एनामोर्फिक स्टेज होती है जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है। जैसे एस्कोमाइकोटा में ए सेक्सुअल स्पोर्स बन रहे थे एंड सेक्सुअल स्पोर्स बन रहे थे, तो उसमें सेक्सुअल स्पोर्स हमें एसो स्पोर्स बन रहे थे, बेसिडियो माइकोटा में बेसिडियो स्पोर्स। वो टीलोमॉर्फिक स्टेज थी। तो जितनी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है उन्हें हम बोलते हैं टीलोमोर्फ, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्टेज को हम बोलते हैं एनामोर्फ। होलोमोर्फ क्या होता है? होलो होता है कंप्लीट। द होल फंगस इंक्लूडिंग एनामोर्फ एंड टीलोमोर्फ। ऐसी फंगस जिसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी बनते हैं, टीलोमोर्फ मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनते हैं, उन्हें हम बोलते हैं होलोमोर्फ। हम इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। वैसे तो एनामोर्फिक फंजाई जो है वो एस्कोमाइकोटा में ही आते हैं, लेकिन जिन जिन में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही प्रेजेंट होती है उन्हें हम एनामोर्फिक फंजाई में गई। हमने सब एनामोर्फिक फंजाई को एस्कोमाइकोटा में शिफ्ट कर दिया। अब एनामोर्फिक फंजाई में कौन कौन आते हैं? जितने भी इम्परफेक्ट ईस्ट होते हैं और हाइफोमाइसिटस एनामोर्फिक फंजाई, या जितने भी एसर्विलस एंड पिकनीडियल फॉर्मिंग फंजाई होते हैं, वो अब एनामोर्फिक फंजाई में आते हैं। अब हम इनको एक एक साथ साथ देखते हैं। जैसे इम्परफेक्ट ईस्ट, इसमें क्या क्या आता है? इसमें जीनस कैंडिडा आता है, जीनस क्रिप्टोकोकस आता है, एंड जीनस स्पोरोबोलोमाइसीज आता है। जीनस कैंडिडा, अब आपको क्या याद रखना है इसमें? इसमें हम स्पीशीज को दो कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं। पहला तो होता है ईस्ट फेज एंड सेकेंड होता है स्यूडोमाइसिलियल फेज। अब आपका क्वेश्चन क्या आएगा? ये स्टेप कल्चर, यहाँ पे है स्टेप कल्चर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ईस्ट फेज होती है वो बडिंग सेल होती है। जैसे आप डायग्राम में देखिए, यहाँ पे आपको बडिंग सेल दिख रही है। बड क्या होता है? जिस पूरी बॉडी में से कोई पार्ट जो है वो इमल्ज आउट हो जाए, उसे बाहर निकल जाए और फिर वो कट के पूरी की पूरी एक बॉडी को बनाने के लिए एलिजिबल हो। जो ईस्ट फेज होते हैं वो बडिंग सेल्स को कंटेन करते हैं, और जिसमें ये है स्यूडोमाइसिलियल फेज। अब स्टेप कल्चर को हम यूज करते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन द पैथोजेनिक स्पीशीज ऑफ कैंडिडा एंड द नॉन पैथोजेनिक स्पीशीज ऑफ कैंडिडा। क्वेश्चन क्या आएगा कि कल्चर का नाम क्या है? फिर जो जीनस कैंडिडा है उसको हमने किस दो कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे बांटा है? तो एक है ईस्ट फेज, एक है स्यूडोमाइसिलियल फेज। ईस्ट फेज में बडिंग सेल्स आती हैं एंड स्यूडोमाइसिलियल फेज में वो आती हैं जिनका न्यूट्रिशन इनएडिक्वेट रह जाता है। व्हेन इट ग्रोज एज कमेंसल, कमेंसलिज्म क्या होता है? जब एक को बेनिफिट होता है और एक को कोई फर्क नहीं पड़ता, जब ये ऐसे ग्रो करते हैं तो वो होती है ईस्ट फेज। जब वो पैथोजेनिक होती है तब वो होती है स्यूडोमाइसिलियल फेज में। क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ये भी आ सकता मैम योर है, ये जो स्यूडोमाइसिलियल फेज है वो ही पैथोजेनिक है फेज, जो ईस्ट फेज है वो पैथोजेनिक नहीं है। यस, कुछ बोल रहे हो आप? क्लियर है ना स्क्रीन सबको? मैम यस योर मैम। वॉइस
नेटवर्क प्रॉब्लम होगा मे बी। सो मैं रिपीट कर देती हूँ अगर किसी को प्रॉब्लम हुआ है नेटवर्क की वजह से। सो इम्परफेक्ट ईस्ट में फर्स्ट हम जीनस पढ़ रहे हैं कैंडिडा। कैंडिडा में जो स्पीशीज होती है उसके हम फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उन्हें दो पार्ट में बांटते हैं, एक तो हो गया ईस्ट फेज, एक हो गया स्यूडोमाइसीलियल फेज। तो ईस्ट फेज में क्या आता है, जिसमें बडिंग सेल्स आते हैं, और स्यूडोमाइसीलियल फेज में आता है जिनका एडिक्यूएट न्यूट्रिशन की वजह से स्यूडोमाइसीलियल फेज होती है। तो जो ईस्ट फेज होती है जब वो कमेंसलिज्म शो करती है, सो पैथोजेनिक फेज कौन सी है, स्यूडोमाइसीलियल फेज। तो इससे दो क्वेश्चन बनते हैं हमारे कि कौन सी फेज है जो पैथोजेनिक है। तो फर्स्ट आंसर है स्यूडोमाइसीलियल फेज। अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना हो ईस्ट फेज और स्यूडोमाइसीलियल फेज के बीच में, सो हम कल्चर यूज करते हैं स्टेप कल्चर। सो यही क्वेश्चन इसमें से जीनस कैंडिडा से आपसे पूछा जाएगा। सो नेक्स्ट जीनस है हमारा क्रिप्टोकोकस। सो इसमें जो है स्पीशीज जो है वो इन आइसोसिटोल को एसिमिलेट करती है और एंजाइम को प्रोड्यूस करती है यूरिएज। इसमें मिरर पिक्चर ईस्ट आते हैं और ये क्रिप्टोकोकल मेनिनजाइटिस कोस करता है। सो आपको ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको स्क्रीन चेंज नहीं हुआ। आपको कोई ओके वेट, अब स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। यस मैम। ओके सो सेकंड जीनस हम पढ़ रहे थे क्रिप्टोकोकस। सो क्रिप्टोकोकस जो है इन ओसिटोल को एसिमिलेट करता है और एंजाइम प्रोड्यूस करता है यूरिएज। सो आपको इसमें इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इसे बस याद ऐसे रिमेम्बर रख सकते हैं, पर क्वेश्चन इस ज्यादा कैंडिडा से पूछने की प्रोबेबिलिटी। सो इसमें क्या होता है, मिरर पिक्चर ईस्ट आता है या फिर और ये स्पोरोबोलोमाइसिस। सो जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको हाईलाइट करा रही हूँ। सो आपको हाईलाइट बस क्या रखना है, स्टेप कल्चर और जो पैथोजेनिक फेज है स्यूडोमाइसीलियल फेज। स्पोरोबोलोमाइसिस में क्या याद रखना है, शेडो ईस्ट आती है इसके अंदर। सो इसके अंदर हमारी आती है शेडो ईस्ट। ये सेप्रोबिकली राइप फ्रूट्स पे ग्रो करती है, सिनिसेंट लीव्स पे ग्रो करती है एंड रस्ट इन्फेक्टेड लीव्स पे यूज करती है। ये किडनी शेप बेलिस्टो स्पोर्स बनाती है जो कि वॉयलेंटली डिस्चार्ज होते हैं। सो आपको ये बस या इसे याद ही रखना है, इसमें कुछ समझाने का नहीं है। सो जितने भी जीनस क्रिप्टोकोकस है वो इनोसिटोल को एसिमिलेट करते हैं और एंजाइम यूरिएज प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम मिरर पिक्चर ईस्ट भी बोलते हैं और वो डिजीज कोज करते हैं क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। जो जीनस स्पोरोबोलोमाइसिस है उसमें शेडो ईस्ट आती है, वो क्या करती है, राइप फ्रूट्स जो फ्रूट पक जाते हैं उनके ऊपर एज अ सेप्रोफाइटिकली ग्रो करती है। सेप्रोफाइटिकली मतलब जो डेड और डिकेइंग मैटर पे होता है, तो राइप फ्रूट क्या होता है, जो सड़ गया हो गल गया हो तो उन पे ग्रो करती है। नेक्स्ट है सिनिसेंट लीफ मतलब ओल्ड लीफ और जो लीफ जिनमें रस्ट हुआ हो उनमें ग्रो करती है। इनमें किडनी शेप मीन्स दिस टाइप ऑफ स्पोर प्रोड्यूस बाय जीनस स्पोरोबोलोमाइसिस और जो कि वॉयलेंटली मतलब बहुत तेजी से डिस्चार्ज होते हैं, एकदम बस्ट होगा और स्पोर्स एकदम बहुत तेजी स्पीड से रिलीज होंगे, उसे हम बोलते हैं डिस्चार्ज वॉयलेंटली। सो अब आपको याद क्या रखना है, ये याद रखना है, सो जितने भी हाइफोमाइसिटस एनामोर्फिक फंजाई है आपको इनके स्ट्रक्चर भी याद रखना है। सो मैं आपके लिए डायग्राम भी लाई हूँ। सबसे पहला है जीनस ऑल्टरनेरिया। सो इसका डायग्राम से हम समझते हैं पहले। सो ये है जीनस ऑल्टरनेरिया। सो आप देखिए इसमें हमें क्या दिख रहा है, आप देखिए यहाँ पे ट्रांसवर्स सेप्टा भी प्रेजेंट है और लॉन्गिट्यूडनल सेप्टा भी प्रेजेंट है। सो इस शेप को हम म्यूरीफॉर्म शेप बोलते हैं। सो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जो भी ऑल्टरनेरिया स्पीशीज है, जो कि जैसे कि आ सकता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय अल्टरनेरिया, सो वो विच टाइप ऑफ स्पोर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय अल्टरनेरिया। सो वो हो गया म्यूरीफॉर्म शेप। सो म्यूरीफॉर्म क्या होता है, ये अल्टरनेरिया की स्पीशीज है, ये अल्टरनेरिया की स्पीशीज है, इसमें ट्रांसवर्स सेप्टा भी प्रेजेंट है और लॉन्गिट्यूडनल सेप्टा भी प्रेजेंट है। इस शेप को हम म्यूरीफॉर्म बोलते हैं। सो म्यूरीफॉर्म शेप इज प्रेजेंट इन अल्टरनेरिया। म्यूरीफॉर्म मीन्स होता है प्रेजेंस ऑफ ट्रांसवर्स सेप्टा एंड लॉन्गिट्यूडनल सेप्टा। सो आप जब इसकी स्लाइड्स बनाते हैं अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो की, सो आपको अल्टरनेरिया को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिकॉज ये किसी का भी
कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता जिसमें ट्रांसवर्स हो, और आपको ये लॉन्ग दिखती है। ऑल्टरनेरिया के अलग अलग स्पीशीज, ऑल्टरनेरिया सोलेनाई, ऑल्टरनेरिया टीनियस, सबकी बीज की लेंथ डिफरेंट होती है, लेकिन आपको बीज जरूर दिखी। सो ऑल्टरनेरिया की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, म्यूरीफॉर्म शेप होता है और इसमें बीज प्रेजेंट होता है। तो हम देख लेते हैं क्या है इसमें। सो ट्रांस एंड लॉन्गिट्यूडनल सेप्टा, हम म्यूरीफॉर्म कोनिडिया बोलते हैं। सो द कोनिडिया शो डिस्टिंक्ट, सो आपने देखा कि उसमें डिस्टिंक्ट प्रेजेंट होती है और ट्रांसवर्स सेप्टा एंड लॉन्गिट्यूडनल सेप्टा होता है। ये हो गया ऑल्टरनेरिया। सेकंड है बोट्राइटिस। बोट्राइटिस का भी देखते हैं हम। इसमें क्या होता है, ग्रे बंचेस होती है। सो आप देखिए ये रहा, तो ये है बोट्राइटिस। आपको दिख रहा है ये अंगूर के गुच्छे जैसी है, सो इसे हम बोलते हैं बोट्राइटिस। तो बोट्राइटिस को जब आप स्लाइड्स बनाएंगे तो जो कोनिडिया ऐसे लगेंगे जैसे अंगूर के गुच्छे हो, तो इससे हमें पता चलेगा ये ऑन कोनिडियोफोर विच आर इरेगुलरली ब्रांच टुवर्ड्स एपेक्स। सो वो इरेगुलरली ब्रांच होंगे एपेक्स से, और इरेगुलरली ब्रांच होंगे और ऐसे लगेंगे जैसे अंगूर के गुच्छे लगे हुए। सो ये है कोनिडिया ऑन द कोनिडियोफोर एंड इट लुक लाइक एज अ ग्रेप बंचिस। थर्ड है हमारा सर्कोस्पोरा। तो सर्कोस्पोरा क्या होता है, लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल, ऑब्क्लेवेट, मल्टीसेप्टेट, हाइलाइन और ब्राउनिश कोनिडिया। सो इसमें क्या है, ये है कोलेटो ट्राइकम। वेट, हाँ, सो हम पढ़ रहे हैं सर्कोस्पोरा। सो सर्कोस्पोरा है ये, इसमें आप देख रहे हैं ये कितने लंबे लंबे हैं। सो ये लॉन्ग, ऑब्क्लेवेट, सो ये होता है हमारा सर्कोस्पोरा। सो सर्कोस्पोरा की एक और बात है, सर्कोस्पोरा बहुत जल्दी जर्मिनेट करता है। तो जब आप इसकी आइसोलेशन करते हैं या आप इसकी स्लाइड बनाते हैं, सो ये आप इसका आइसोलेशन करोगे तो ये बहुत जल्दी इसकी कॉलोनी ग्रो हो जाएगी, और इसकी कॉलोनी जो होती है वो ब्लैक कलर की होती है। सो सर्कोस्पोरा के बारे में ये भी आ सकता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि फास्ट ग्रोइंग ब्लैक कॉलोनी फॉर्म्ड बाय सर्कोस्पोरा। तो सर्कोस्पोरा की जो कोनिडिया है वो लंबे भी होते हैं, मल्टीसेप्टा आपने देखा होगा बहुत सारे सेप्टा प्रेजेंट थे, और ब्राउनिश कोनिडिया होते हैं, ये बहुत जल्दी टर्मिनेट करता है, और इसके जो कॉलोनी होते हैं वो ब्लैक कलर की फॉर्म होती है। नेक्स्ट है हमारा कर्व्यूलेरिया। सो कर्व्यूलेरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन तो एक यही हो गया कि ये एनामोर्फ ऑफ कोक्लियो बोल्स होता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसे जा सकता है कि कोक्लियो बोल्स किसका एनामोर्फ है, तो जीनस कर्व्यूलेरिया या जीनस कर्व्यूलेरा का एनामोर्फ कौन है, कोक्लियोबोलस। तो ये मैचिंग में भी आ सकता है या फिर आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही हो गया। दूसरा है कि कोनिडिया थ्री फोर सेप्टेट होते हैं। सो आप कर्व्यूलेरिया का शेप देखिए, ये हमारा कर्व्यूलेरिया। सो आपको दिख रहा है सेकेंड जो कंपार्टमेंट है वो बहुत ज्यादा फूला हुआ है फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ के कंपैरिजन में। होते हैं वो सेकेंड या थर्ड कंपार्टमेंट में बहुत ज्यादा फूले हुए होते हैं। सो ये हो गया कर्वुलेरिया की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। सेप्टा आपको दिख रहे हैं टू या थ्री सेप्टा मैक्सिमम प्रेजेंट है, इससे ज्यादा सेप्टा इसमें प्रेजेंट नहीं होते। सो जीनस कर्वुलेरिया का क्या स्पेशल है कि थ्री टू फोर सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, और थर्ड सेल में जो है वो फूला हुआ होता है, ये डार्कर एंड लार्जर देन द अदर सेल। जो जो थर्ड सेल होगा वो फूला हुआ भी होगा, डार्क कलर भी होगा, और साल के कंपैरिजन में बड़ा भी होगा। सो ये है कैरेक्टरिस्टिक कर्वुलेरिया का। सो आपको देखते ही आप पहचान जाओगे अगर उसका सेकेंड या थर्ड फूला हुआ है कंपेयर टू द अदर सेल्स, तो वो कर्वुलेरिया है। फर्स्ट जीनस ऑल्टरनेरिया म्यूरीफॉर्म है, बोट्राइटिस ग्रेप शेप दिखा आपको तो वो बोट्राइटिस है, सर्कोस्पोरा लंबा है बहुत ज्यादा सेप्टा प्रेजेंट है, तो वो हो गया हमारा सर्कोस्पोरा। अब ये मोस्ट नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्यूजेरियम। तो फ्यूजेरियम जनरली क्या करता है, विल्ट कोस करता है। सो इसमें दो टाइप के कोनिडिया बनते हैं, सो मैक्रोकोनिडिया एंड माइक्रोकोनिडिया। सो मैंने आपको ये पहले भी बताया था। सो फ्यूजेरियम को देखते हैं हम। सो ये है फ्यूजेरियम। हेलो मैम यस, मैम, योर वॉइस इज ब्रेकिंग एंड स्लाइड्स आर नॉट चेंजिंग प्रॉपरली मैम। योर एक्सप्लेनेशन इज पार्ट डिफरेंट फ्रॉम दैट स्लाइड मैम। ओके, वेट, लेट मी चेक।
सो हमने अब तक जीनस ऑल्टरनेरिया देखा, जीनस बोट्राइटिस देखा है, सर्कोस्पोरा। सो आपको ये समझ आ गई या फिर प्रॉब्लम नेट की आवाज कटने की आई थी? मैं अगेन रिपीट करूं? यस मैम, यस ओके, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हम देख रहे थे जीनस ऑल्टरनेरिया। जीनस ऑल्टरनेरिया का कैरेक्टरिस्टिक होता है म्यूरीफॉर्म। इसके कोनिडिया कैसे होते हैं? म्यूरीफॉर्म होता है। म्यूरीफॉर्म मीन्स जिसमें ट्रांसवर्स सेप्टा भी प्रेजेंट होता है, लॉन्गिट्यूडनल सेप्टा भी प्रेजेंट होता है, और साथ में इसमें बीक भी प्रेजेंट होती है। ऑल्टरनेरिया में म्यूरीफॉर्म मीन्स क्या हो गया? ट्रांसवर्स सेप्टा प्लस लॉन्गिट्यूडनल सेप्टा। सही हो गया हमारा ऑल्टरनेरिया। ऑल्टरनेरिया की डिजीज को भी आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो में जो कोनिडिया बनते हैं वो किस टाइप के होते हैं? म्यूरीफॉर्म होते हैं। आपको डायरेक्टली ये नहीं देगा कि ऑल्टरनेरिया का कैसा होगा, आपको याद रखना है डिजीज के थ्रू भी। सेकेंड है हमारा बोट्राइटिस। बोट्राइटिस में क्या होता है? ग्रेप शेप होता है। इसमें हमें जब कोनिडिया कोनिडिया फोर के बाद कोनिडिया बनेंगे वो ऐसे लगेगा जैसे अंगूर के गुच्छे हों, लाइक दिस। जो बोट्राइटिस होता है उसमें क्या होगा? हमारा लुक लाइक ग्रेप्स बंचेस। थर्ड था हमारा सर्कोस्पोरा। तो सर्कोस्पोरा हम देख रहे थे क्या होता है, वो लंबा, उसके कोनिडिया जो है वो काफी लॉन्ग होता है और उसमें बहुत सारे सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। सब आपको तीनों के डायग्राम में एक बार दिखा देती हूँ, क्या ये विजिबल है? यस मैम, हाँ, तो ये हमारा है ऑल्टरनेरिया। आप देखिए इसमें, ये इसमें ट्रांसवर्स सेप्टा प्लस लॉन्गिट्यूडनल सेप्टा विद अ बीक। ये हमारा हो गया ऑल्टरनेरिया। सेकंड हम यहाँ देख रहे थे बोट्राइटिस। ये है बोट्राइटिस। बोट्राइटिस में आपको दिख रहा है ये ग्रेप जैसे लग रहा है, जैसे अंगूर के गुच्छे हो। ये हो गया हमारा बोट्राइटिस। थर्ड है हमारा सर्कोस्पोरा। ये है सर्कोस्पोरा। इसमें आप देखिए इसकी जो कोनिडिया है वो बहुत ही लॉन्ग है और कितने सारे सेप्टा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 to 8 सेप्टा प्रेजेंट होते हैं कोनिडियो फोर इसमें सर्कोस्पोरा में। हमने ये तीन अब तक पढ़े थे। फिर हमने देखा था कर्व्युलेरिया। कर्व्युलेरिया, ये हमारा कर्व्युलेरिया। कर्व्युलेरिया के बारे में मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि ये बहुत फास्ट ग्रोइंग होता है। ऐसा भी होता है कि अगर आप अच्छे से लैब में करते वक्त काम करते वक्त उसे क्लीन नहीं करेंगे, स्टरलाइज नहीं करेंगे, कर्व्युलेरिया आपको बहुत बार दिखता है स्लाइड्स में। हम बना रहे होते हैं ऑल्टरनेरिया की स्लाइड्स, दिखता है कर्व्युलेरिया, ये इतना फास्ट ग्रोइंग होता है। इसमें क्या होता है कि जो सेकेंड इसका जो कंपार्टमेंट होता है, नीचे से थर्ड और ऊपर से सेकेंड, वो बहुत ज्यादा बल्ज आउट होता है। कंपेयर टू आप दूसरे सेल से कंपेयर करोगे तो आपको डार्क कलर का भी दिखाई देगा, फूला हुआ भी दिखाई देगा और बड़ा भी दिखाई देगा और सेल के कंपेरिजन में। ये हो गया हमारा कर्व्युलेरिया। अब हम इसे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है इसमें। कर्व्युलेरिया क्या, मैंने एक और बताया था कि ये कोक्लियोबोलस का एनामोर्फ होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डार्क ब्राउन कलर का होता है, 3 to 4 सेप्टेट होता है, और जो थर्ड सेल है बेस से और ऊपर से सेकेंड सेल वो बल्ज आउट होती है, डार्क कलर की भी होती है और सेल के कंपेरिजन में लार्ज भी होती है। अब हम जीनस फ्यूजेरियम पढ़ रहे थे। ये विल्ट कॉजिंग है मेनली। ये भी इंपॉर्टेंट है कि फ्यूजेरियम में, मैंने आपको इससे पहली क्लास में भी शायद एक में बताया था कि जो फ्यूजेरियम होता है उसमें दो टाइप के कोनिडिया बनते हैं, माइक्रोकोनिडिया एंड मैक्रोकोनिडिया। जो माइक्रोकोनिडिया होते हैं वो 0 से 3 सेप्टेट और ये 3 to 5 सेप्टेट। नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रो मीन्स छोटा, तो उसके कोनिडिया कैसे होंगे? छोटे। मैक्रो मीन्स बड़ा। इसमें क्या होता है, वन सेल्ड, ओवल या फिर कोमा शेप, पायरीफॉर्म और एलोंगेटेड। और इसमें क्या होता है, हाई लाइन, स्पिंडल शेप, पॉइंटेड एट वन एंड। अब हम इसका देख लेते हैं डायग्राम, आपको उससे अच्छा समझ आएगा। आप देखिए ये हमारा फ्यूजेरियम। आप देखिए यहाँ पे ये है माइक्रोकोनिडिया, तो ये कैसे दिख रहे हैं ऐसे ओवल शेप के, और यहाँ पे ये है मैक्रोकोनिडिया। और इसमें 0 से 1 to सेप्टा प्रेजेंट है, लेकिन इस वाले में जो फिगर में उसमें एक भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। ये है माइक्रोकोनिडिया। मैक्रोकोनिडिया देखिए इसके कंपैरिजन में कितना बड़ा है, उसमें 3 to 5 सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। ये हो गया हमारा फ्यूजेरियम की। फ्यूजेरियम में आपका ये भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें दो टाइप्स के कोनिडिया बनते हैं। वो हो गया हमारा फ्यूजेरियम, माइक्रोकोनिडिया बनते हैं और मैक्रोकोनिडिया बनते हैं।
सो फ्यूजेरियम विल्ट जनरली कोज करता है। सो ये हो गया फ्यूजेरियम के बारे में। सो अब तक ऑल्टरनेरिया हो गया है, म्यूरिफॉर्म, बोट्राइटिस, ग्रेप शेप, सर्कोस्पोरा ऑब्लिक्लेवेट और लार्ज कॉर्व्यूलेरिया, जो थर्ड बेस थर्ड सेल जिसकी फूली भी होती है। फ्यूजेरियम में दो टाइप के कोनिडिया हो गए, माइक्रोकोनिडिया एंड मैक्रोकोनिडिया। नेक्स्ट हम देखते हैं हेलमिंथोस्पोरम। सो हेलमिंथोस्पोरम की भी आपने डिजीज पढ़ी होगी राइस में। सो उसके स्पोर्स कैसे होते हैं? सो आप ये देखिए, ये है हेलमिंथोस्पोरम। सो इसके स्पोर्स, इसके जो कोनिडिया है वो लार्ज शेप के होते हैं और इसमें जनरली 10 सेप्टा प्रेजेंट होता है। सो आप देखेंगे स्लाइड्स में तो आपको ऐसे ही कोनिडिया दिखेगा, तो आप इजिली पहचान जाएंगे कि ये हेलमिंथोस्पोरियम का कोनिडिया है। अब तक आपने ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल ही डिफरेंशिएटिंग है अदर किसी भी सेल से, अदर किसी भी कोनिडिया से। तो ये क्या होता है? डार्क होता है। बियर कोनिडिया ऑन सिंपल इरेक्ट और सेप्टेट कोनिडिया फोर। सो कोनिडिया फोर भी इसकी सेप्टेट होती है। ये ऑबक्लेवेट शेप का है, ब्राउन है, थिक वोल्ड है और 8 to 10 ट्रांसवर्स सेप्टा विद अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। सो ये क्या कह रहा है कि वो बहुत लार्ज शेप का है। सो आपने अभी देखा उसमें 8 to 10 सेप्टा। सो आप देखिए कितना बड़ा है, उसमें 8 to 10 सेप्टा प्रेजेंट है और उसके जो कोनिडिया फोर है वो भी कैसा है? सेप्टा है। देखिए ये कोनिडिया फोर है, सो इसका कोनिडिया फोर में भी सेप्टा प्रेजेंट होता है और इसके अंदर भी 7 to 10 सेप्टा प्रेजेंट होता है। सो ये हमारा हो गया हेलमिंथोस्पोरियम। नेक्स्ट आता है लेमोनेरिया। लेमोनेरिया क्या है? एक्वेटिक हाइफोमाइसिट्स है और हाइलाइन एंड टेट्रा रेडिएट नेचर ऑफ द कोनिडिया। टेट्रा स्ट्रक्चर क्या होता है? टेट्रा हेड क्या होता है? जिसमें दो टाइप, ये होती है हमारी टेट्रा हेड्रल शेप। सो इसके कोनिडिया इस टाइप के होंगे। सो आपको मैं डायग्राम दिखा देती हूँ। सो देखिए ये है लेमोनेरिया, इसमें आपको दिख रहा है टेट्रा हेड्रल शेप का होता है। सो ये भी आप इजिली डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। सो टेट्रा हेड्रल किस में प्रेजेंट होगा? लिमोनेरिया में। सो इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, आपको सिर्फ इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। सो थर्ड है हमारा पायरिकुलेरिया। सो इसमें क्या होगा? कोनिडिया बाइसेल्ड होंगे, पायरीफॉर्म होंगे, सिंगल एट द टिप ऑफ द कोनिडिया फोर एंड सक्सेसिव ग्रोइंग पॉइंट्स। सो पायरिकुलेरिया देख लेते हैं। सो ये आपको पायरिकुलेरिया देखिए, इसमें 1 to 2 सेप्टा, ये होता है हमारा पायरिकुलेरिया के शेप। सो पायरिकुलेरिया क्या होगा? बाइसेल्ड और इसमें सिंगल टिप होगी ऑफ कोनिडिया फोर और इसमें 0 से 2 सेप्टा प्रेजेंट होंगे। सो आपको इसका शेप याद रखनी है। सो नेक्स्ट है हमारा मोनिलिया। मोनिलिया क्या होता है? लॉन्ग ब्रांच चेन ऑफ बीट लाइक ओवल और लेमन शेप कोनिडिया। सो ये ऐसा लगता है कि छोटे छोटे बीट्स होते हैं, जैसे हमारा नेकलेस होता है गले का, छोटे छोटे बीट से जो बना हुआ होता है नेकलेस, उसकी तरह दिखता है मोनिलिया। सो ये देखिए ये है मोनिलिया। सो ये ऐसा लगता है कि छोटे छोटे बीट्स किसी ने लगाए हुए हैं, जैसे नेकलेस में लगे हुए होते हैं। सो ये हो गया हमारा मोनिलिया की शेप। फिर हमारी राइजोक्टोनिया, ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनाता है, ये इसकी माइसीलिया स्टराइल होती है लेकिन ये स्क्लेरोशिया बनाता है। सो ये नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। सो जो राइजोक्टोनिया होता है, आपने डिजीज पढ़ी होंगी बहुत सारी, राइजोक्टोनिया सोलेनी की, स्क्लेरोशियम रोल्फसाई, जो कोहलर रोट भी करते हैं। सो ये क्या होता है? ये स्क्लेरोशिया फॉर्म करता है। स्क्लेरोशिया क्या है? जब कोई फंगस, उसको अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो वो अपना ग्रो नहीं कर पाता। सो वो उस अनफेवरेबल कंडीशन को सर्वाइव करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे स्क्लेरोशिया बोलते हैं। स्क्लेरोशिया जनरली सोइल में ही रहता है। स्क्लेरोशिया जो सोइल बोर्न फंगस है वही स्क्लेरोशिया बनाती है। सो स्क्लेरोशिया सोइल में बहुत टाइम तक रहता है और जब भी फेवरेबल कंडीशन आती है दोबारा, सो वो जर्मिनेशन कर देता है। सो जितनी भी राइजेक्टोनिया, जितनी भी कोलर रोट की डिजीज है, ये सब स्क्लेरोशिया बनाती है। सो आपका ये भी आ सकता है, स्क्लेरोशिया कौन बनाता है? सोइल बोर्न फंगस। सो ये सोइल बोर्न फंगस स्क्लेरोशिया बना लेती है और अनफेवरेबल कंडीशन को सर्वाइव करने के लिए वो स्क्लेरोशिया बनाती है। जैसी फेवरेबल कंडीशन आई, वो स्क्लेरोशिया की हेल्प से जर्मिनेट कर जाएंगी। सो स्क्लेरोशिया जनरली
ब्लैक कलर का आपको दिखेगा। आप ऐसा होता है जो स्टेम रोट होते हैं, जो कोलर रोट होते हैं, जब आप स्टेम को खोलोगे सो आपको दिखेंगे स्क्लेरोशिया इजिली। सो ये स्क्लेरोशिया बनाता है। जब आप मास्टर्स करोगे पैथोलॉजी से तो आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप उसमें देखोगे जब आप स्टेम खोलोगे ब्लैक कलर की छोटी छोटी आपको दिखेंगे स्क्लेरोशिया। सो नेक्स्ट आता है जीनस वर्टिसिलियम। ये क्या होता है, टेम्परेट क्लाइमेट में सर्वाइव करते हैं। सो एक और क्वेश्चन आ सकता है कि फ्यूजेरियम और वर्टिसिलियम दो और फंगस हैं, दोनों ही विल्ट कोज करते हैं, लेकिन जो फ्यूजेरियम है उसे वार्म कंडीशन चाहिए होती है, और जितने जो वर्टिसिलियम है वो टेम्परेट क्लाइमेट में विल्ट करता है। सो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि फ्यूजेरियम और वर्टिसिलियम दोनों ही विल्ट कोज करते हैं, लेकिन फ्यूजेरियम को वार्म और ह्यूमिड कंडीशन चाहिए होती है डिजीज कोज करने के लिए, जबकि जो वर्टिसिलियम है वो टेम्परेट क्लाइमेट में जनरली प्रिवेल करता है। ये इसमें क्या होता है, इसमें भी रेस्टिंग बॉडीज बनती है। सो जैसे वर्टिसिलियम एल्बो, ये तीन इसमें स्पीशीज हैं जो आपको याद रखनी है। सो जो वर्टिसिलियम एल्बो एट्रम है वो रेस्टिंग माइसिलियम बनाता है, जो डेलिया है वो माइक्रोस्क्लेरोशिया बनाएगा, और जो निग्रीकेन्स है वो भी क्लेमाइडोस्पोर बनाता है। सो आपको ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो तीनों स्पीशीज को स्पेशली पूछ सकता है कि वर्टिसिलियम डेली जो है वो क्या बनाता है, माइसिलियम, माइक्रोस्क्लेरोशिया, क्लेमाइडोस्पोर। सो ये आपको याद रखना है कि वो माइक्रोस्क्लेरोशिया बनाता है। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ही विल्ट कोजिंग है, लेकिन एक को चाहिए वार्म और ह्यूमिड कंडीशन, और जो फ्यूजेरियम है वो क्लेमाइडोस्पोर्स भी बनाता है। तो फ्यूजेरियम आप ये भी याद रख सकते हो कि जो फ्यूजेरियम है वो अनफेवरेबल कंडीशन को सर्वाइव करने के लिए क्लेमाइडोस्पोर्स बनाता है, जबकि वर्टिसिलियम जो एल्बो है, ये तीन अलग अलग स्पीशीज हैं, तो एल्बो जो है वो माइसिलियम बनाती है, डेली जो है वो माइक्रोस्क्लेरोशिया बनाती है, और जो निग्रीकेन्स है वो क्लेमाइडोस्पोर्स बनाती है। सो यहाँ पे फ्यूजेरियम में आप लिख लीजिए ये क्लेमाइडोस्पोर्स बनाता है एज अ रेस्टिंग स्पोर्स। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एसर्विलर इम्परफेक्ट फंजाई। तो ये क्या करती है, ये एसर्विलाई फ्रूटिंग बॉडी बनाती है। तो इसमें दो आ गए, कोलेटोट्राइकम जो कि एंथ्रेग्नोज फंजाई है, और जीनस पेल्स्टल्टियोपसिस। आपको ये डायरेक्ट नाम याद रखना है। सो कोलेटोट्राइकम एंथ्रेग्नोज करती है। एंथ्रेग्नोज क्या होता है, एंथ्रेग्नोज में सनकन लेशंस बनते हैं। सनकन लेशंस मीन्स क्या होता है कि लीफ में आप देखेंगे धसे हुए होंगे लेशंस, जो लीफ सरफेस है उससे ऐसा लगेगा छोटे छोटे गड्ढे हो रखे हैं। सो वो हो गए हमारे एंथ्रेग्नोज फंजाई। फिर नेक्स्ट है जीनस पेस्टल्टियोपसिस। सो एसर्विलस इम्परफेक्टाई फंजाई में दो जीनस आ गए, जीनस कोलेटोट्राइकम एंड जीनस पेस्टल्टियोपसिस। अब है पिकनीडियल फॉर्मिंग फंजाई। सो पिकनीडिया किस में बनता है, इसमें है फोमा, फोमोप्सिस, एस्कोकाइटा एंड सेप्टोरिया। तो इसमें क्या याद रखना है, कोनिडिया हाइलाइन है तीनों में, अगर सिंगल सेल ग्लोबोज टू ओवॉइड है तो ये तीनों फाइलोस्टिका, फोमा एंड फोमोप्सिस में बनता है, बाइसेल है तो एस्कोकाइटा में बनता है, फिलीफोम है तो सेप्टोरिया में बनता है। सो आप देखेंगे जब इसके बाइसेल्ड हो गया तो वो एस्कोकाइटा हो गया, जबकि फिलिफॉर्म हो गया तो वो सेप्टोरिया हो गया। सो मेरी डायग्राम नहीं है मेरे पास। तो ये आपको इसमें बस याद रखना है कि ए सर्विलस किसके अंदर है, कोलेटोट्राइकम एंड पेस्टल्टियोपसिस के अंदर, और पिकनीडियल इम्परफेक्टाई फंजाई में कौन कौन से आते हैं, फोमा, फोमोप्सिस, एस्कोकाइटा, सेप्टोरिया। सो ये हमारा हो गया एनामोर्फिक फंजाई कंप्लीट। एनामोर्फिक फंजाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको अलग अलग कंफ्यूजन हो जाएगी, आपको डायरेक्ट दे देंगे कि बताइए बंच ऑफ ग्रेप्स किस में कोनिडिया बनते हैं। सो आपको याद होना चाहिए कि इसमें किस में बन रहे हैं। सो आपको इसमें अभी कोई डाउट हो तो बताइए, फिर मैं पक्सिनिया पाथवे स्टार्ट करती हूँ। इसमें आपको वैसे याद ही करना है, इसमें कुछ समझने का आज नहीं था, बस आपको इसमें मैं पीपीटी मिल जाएगी आपको, आप उसे देखिए बार बार उस डायग्राम को, और उससे याद करने की कोशिश कीजिए। सो अब हम एनामॉर्फिक फंजाई स्टार्ट करते हैं फिर, सॉरी पक्सीना पाथवे। कल बच्चों ने बोला था कि उन्हें पक्सीना पाथ समझना है, तो मैं आज आपके लिए डायग्राम लेके आई हूँ। सो मैंने उस दिन आपको पढ़ाया था बेसिडियो माइकोटा।
उसमें मैंने आपको बताया था कि हम पांच टाइप के स्पोर्स पढ़ते हैं, टिकनोस्पोर, एशियोस्पोर, यूरिडोस्पोर, टीलियोस्पोर एंड प्लेथिडियोस्पोर। लेकिन जो इंडिया है उसमें बारबरी प्लांट एबसेंट होता है, इसलिए इंडिया में वो साइकिल फॉलो नहीं होती। तो इंडिया में फॉलो क्या होता है, इंडिया में फॉलो होता है पक्सिनिया पाथ। ये क्या होता है, केसी मेहता ने सबसे पहले रिपोर्ट किया था कि जो बारबेरी प्लांट है वो इंडिया में उसका कोई रोल नहीं है डिजीज को फैलाने में, डिजीज को स्प्रेड करने में। उसमें पक्सीना पाथ फॉलो होता है। आपको तीनों अलग अलग इंडिविजुअल रस्ट में समझाती हूँ, फिर एक साथ समझाऊंगी। जो येलो रस्ट के स्पोर्स होते हैं वो ऑफ सीजन हिमालयाज में सर्वाइव करते हैं। आपको ये याद रखना है कि ब्लैक रस्ट के कहाँ सर्वाइव करते हैं, नीलगिरी या पालनी हिल्स में, और ब्राउन रस्ट के कहाँ सर्वाइव करते हैं, दोनों जगह, नीलगिरी और पालनी हिल्स में भी और हिमालयाज में भी। सबसे पहले हम देखते हैं ब्लैक रस्ट। मैंने आपको बताया कि ब्लैक रस्ट के स्पोर्ट्स नीलगिरी हिल्स और पालनी हिल्स में सर्वाइव करते हैं। क्या होगा जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, ब्लैक रस्ट के जो स्पोर्ट्स है वो नीलगिरी और पालनी हिल्स से इंडिया के सेंट्रल रीजन की तरफ मूव कर जाएंगे। यहाँ पे यूरिडोस्पोर पहुंचे। अब क्या हुआ, यूरिडोस्पोर से बनेगा टीलियोस्पोर, टीलियोस्पोर से बनेगा बेसिडियोस्पोर। लेकिन इंडिया में जो कंडीशन होती है वो एडवर्स होती है, उसमें बहुत ज्यादा गर्मी होती है। जब यहाँ से स्पोर्स आए नीलगिरी और पालनी हिल से, यूरिडोस्पोर्स के बाद टीलियोस्पोर्स भी बनेगा, बेसिडियोस्पोर्स भी बनेगा, लेकिन वो यहीं पे ही एंड हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। इससे ज्यादा वो नहीं साइकिल पूरी कर पाएंगे, क्योंकि एक तो बारबेरी प्लांट भी नहीं है, और तो इसलिए हर साल ऐसे होगा, नीलगिरी और पालनी हिल से स्पोर्ट्स आएंगे सेंट्रल रीजन में, यूरिडोस्पोर डिजीज कोज करेगा, टीलियोस्पोर भी बनेंगे, बेसिडियोस्पोर भी बनेंगे, और वो खत्म हो जाएंगे। जबकि जो ब्राउन रस्ट है वो नीलगिरी हिल्स में भी सर्वाइव करता है, नीलगिरी और पालनी हिल्स में भी सर्वाइव करता है, और हिमालयन रीजन में भी सर्वाइव करता है। इसके स्पोर्ट्स, आपका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जो ब्लैक रस्ट के स्पोर्ट्स कहाँ से आते हैं, तो ब्लैक रस्ट के स्पोर्ट्स नीलगिरी या पालनी हिल से आते हैं, जबकि ब्राउन रस्ट के स्पोर्ट्स दोनों जगह से आते हैं, हिमालयन रीजन से भी आएंगे और नीलगिरी हिल से भी आएंगे। यहाँ पे भी क्या होगा, यूरिडो स्पोर्स आएंगे, डिजीज कोज करेंगे, उसके बाद टीलियो स्पोर भी बनेगा, बेसिडियो स्पोर्स भी बनेगा, लेकिन क्योंकि कंडीशन जो है वो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, ये स्पोर्ट्स स्प्रेड नहीं होंगे, वो मर जाएंगे। ये होगा ब्राउन रस्ट में। इसी तरीके से येलो रस्ट में भी होगा, येलो रस्ट के स्पोर्ट्स कहाँ से आएंगे, हिमालयन रीजन से आएंगे, और वो नॉर्थ रीजन में ही कोज करेंगे, सेंट्रल रीजन में नहीं करेंगे। वो क्या होगा, हिमालयन रीजन से आएंगे, यूरिडो स्पोर बनेगा, टीलियो स्पोर बनेगा, बेसिडियो स्पोर बनेगा, और फिर ये एंड हो जाएंगे। ये तीनों साइकिल यहाँ पे पक्सिनिया पाथ फॉलो होता है इंडिया में। बारबेरी से ना स्पोर्ट्स आके या तो हिल से हिमालयन रीजन से आएंगे या फिर हिल रीजन से आएंगे। ये तीनों का कंबाइंड डायग्राम है, आप इसे याद करने के लिए, कि जो ब्राउन रस्ट है वो हिमालयन से भी एंड हिल से भी, जो ब्लैक रस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ नीलगिरी या पालनी हिल से, और येलो रस्ट के स्पोर्ट्स सिर्फ और सिर्फ हिमालयन रीजन से। आपको बस इतना याद रखना है। इसमें इंडिया में जो है वो पिकनियोस्पोर और एशियोस्पोर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि बारबेरी प्लांट इंडिया में प्रेजेंट नहीं है। जो येलो रस्ट है वो हिमालयन से स्पोर्स आएंगे उसके, ब्लैक रस्ट के नीलगिरी या पालनी हिल से आएंगे, और जो ब्राउन रस्ट के हैं वो दोनों जगह से आएंगे। बस इतना ही था पक्सिनिया पाथ में। अब आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइए। पक्सिनिया पाथ आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूज होते हैं, आप वहां जाके भूल जाओगे कि किसके कहां कौन से रीजन से थे। इसलिए याद रखिएगा। इसलिए मैं डायग्राम लेके आई हूँ जिससे आप अच्छे से उसे याद कर पाए। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। आपने उसके न्यूक्लियर, मैंने आपको बताया था उसकी स्टेज भी याद रखना, कि पिकनियोस्पोर में कैसे स्पोर्स बनते हैं, कौन सी न्यूक्लियर कंडीशन प्रेजेंट होती है। अब बताइए पिकनियोस्पोर में डिवीजन करते हैं, बताइए पिकनियोस्पोर में कौन सी न्यूक्लियर कंडीशन थी, एल एन कंडीशन। एशियोस्पोर्स में एल प्लस एल एन यूरिडियो प्लस एन स्पोर्स में, एन एन प्लस प्लस एल एन, प्लस एन टीलियो टू स्पोर्स में टू टू एन, एन एंड बेसिडियो स्पोर्स में, एन पिकनियो एन स्पोर और एशियो स्पोर्स कहाँ पे फाउंड होते हैं, बारबेरी प्लांट बारबेरी, बारबेरी और यूरिडो, टीलियो और बेसिडियो स्पोर्स पीठ पे। वेट ठीक है, आप बताइए रिपीटिंग स्पोर्स किसे बोलते हैं। रेडियो रेडियो स्पोर्ट्स रेडियो, फॉर ठीक
ठीक है, और सर्वाइविंग स्पोर्ट्स टीलियोस्पोर टीलियोस्पोर्ट। टीलियोस्पोर एसेक्सुअल स्टेज कहाँ होती है, वीट में या बारबेरी में? असेक्सुअल स्टेज वीट में वीट गुड। एसेक्सुअल स्टेज वीट में होती है और सेक्सुअल स्टेज जो है वो बारबेरी में होती है। सो ये क्वेश्चन थे इससे पक्सीनेरस से। सो ये भी याद रखना है कि कहाँ से शुरू होता है, हम उसे नंबर देते हैं ना। सो पिक्नियोस्पोर का नंबर क्या है? जीरो 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 0 1 2 3 4। तो आपको बस इसमें इतना ही याद रखना है, पिकनियो स्पोर पिकनीडियम फ्रूटिंग बॉडी में बनता है, एशियो स्पोर एशियम फ्रूटिंग बॉडी में बनेगा। सो बस इतना ही याद रखना है आपको, और फिर पक्षीनिया पात को आपको याद रखना है। पक्षिनिया पात में वो जो सारा पढ़े थे वो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया गया, बस ये बताया गया कि कहाँ से आ रहा है। हाँ, उसमें पिकनियोस्पोर एशियोस्पोर तो है ही नहीं, यूरिडोस्पोर टीलियोस्पोर बेसिडियोस्पोर की वही कंडीशन होगी, N+N2N, बस ये है कि उसमें जो स्पोर्स बारबेरी से आ रहे थे वो यहाँ पे हिल्स या हिमालय से आ रहे हैं, बस इतना डिफरेंस है और सब सेम है।